हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आप लोगों का कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम है और आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, बिल्कुल एंड में क्या पढ़ना है, क्या सबसे पहले उठाना चाहिए, क्या टॉपिक्स पहले उठाने चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसी ऑर्डर में आप पढ़िए और फिर देखिए, यू विल डू वंडर्स इन योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले दोस्तों, सीएमए में आप लोगों की कैटेगरी ए, अगर मैं बोलूं तो कैटेगरी ए में गाइस आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग 5 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स तक की रेंज का कंफर्म आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, और 15-15 मार्क के प्रैक्टिकल, 5 मार्क का कंपलसरी और 10 मार्क का अदरवाइज ऑल्सो। इसके अलावा फिर जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें, वो भी 5 से 10 की रेंज में आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का 10 मार्क्स कंसिस्टेंटली आ रहा है, कॉस्ट शीट 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो गाइज ये आप देखिए, ये प्रोसेस कॉस्टिंग, अगर आप ये सिर्फ 5 चैप्टर ही कर जाए तो आधा पेपर तो इन्हीं से बन गया, ये भी 5 to 15 एज द केस में भी। फिर इसके बाद ओवरहेड्स 5 to 10, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बिल्कुल मत छोड़िएगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है क्विकली। और देखिए करना क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जल्दी से आप रिवाइज कीजिए अपने पॉकेट बुक या जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, हमारी जो पॉकेट बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, या फिर एज द केस में भी आपके शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं, जो लोग भी बनाते हैं अपने शॉर्ट नोट्स उनसे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी 5 to 10 मार्क्स एंड देन एम्प्लॉई कॉस्ट भी 5 to 10 मार्क्स, ये हो गई आपकी कैटेगरी ए। तो देखिए वंस अगेन, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सबसे पहले कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड्स कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर गाइस कैटेगरी बी, अगर मैं बोलूं तो ये रुक रुक के आता, मतलब इनके जो है रेगुलर हर अटेम्प्ट में इनकी अटेंडेंस नहीं है। मटीरियल कॉस्ट जो है 5 से लेकर 10 मार्क की रेंज का, बजटरी कंट्रोल 5 से लेकर 10 मार्क की रेंज का, जॉब बैच कॉस्टिंग 5 से लेकर 10 मार्क की रेंज का, और रिकंसलेशन भी 5 से लेकर 10 मार्क की रेंज का, 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आने वाला, ये फ्रीक्वेंसी इनका चलता है। और फिर लीस्ट जो सबसे कम आया है वो है कॉस्ट बुक कीपिंग, तो ये सबसे एंड में उठाइएगा। मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, इसकी जनरल एंट्रीज देख लीजिए, क्विकली रिवाइज कीजिए, एंड कॉन्सेप्ट देखिए इन बी और सी कैटेगरी के, कॉन्सेप्ट देखिए कैटेगरी ए के कॉन्सेप्ट, एंड अगर आपने कोई लास्ट मोमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, ग्रेट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर को। देखिए कैटेगरी ए के चैप्टर्स को आप थोड़ा ज्यादा समय दे देते हैं, ग्रेट। कैटेगरी बी और सी को कंपैरेटिवली आप कम दीजिएगा। अगर आपके पास टोटल 25 आवर्स अवेलेबल हैं, तो गाइस 25 आवर्स में से कैटेगरी ए को आप चाहें तो समवेयर अराउंड 15 to 16 आवर्स दे सकते हैं। और कैटेगरी बी को अगर मैं बोलूं तो दोस्तों, कैटेगरी बी के जो चैप्टर्स हैं उनको जो है आप एज द केस में भी यू कैन गिव 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, एंड फिर कैटेगरी सी इसको आप आधे घंटे में खत्म करें मैक्सिमम। अच्छा, ये एक बात और बोलना चाहूंगा, 2 to 3 आवर्स, दिस इज 2 to 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, 2 आवर्स to 3 आवर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो 15 मिनट आधे घंटे में जल्दी से इसकी जनरल एंट्री, 15 मिनट्स to half an hour, 30 मिनट्स इसको खत्म कीजिए। और दोस्तों आपका थ्योरी जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी अटेंडेंस 5 से 10 मार्क की रेगुलर बेसिस पे आ रही है, तो गाइज इस पे इसको भी देख सकते हैं अगर आपने थ्योरी अटेम्प्ट करने का सोचा है तो। थ्योरी अक्सर चॉइस में निकलता है, बट कोई ना कोई क्वेश्चन जो इनमें अटक सकता है एज द केस में भी। तो दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप लोगों को, मेक योर टीचर्स प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट।